हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट पालक की दाल बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कटोरी उड़द की दाल ली है, एक कटोरी पालक, 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और लहसुन की कली 3 से 4। अब सबसे पहले हम बाउल में दाल को डाल देते हैं और इसे 4-5 बार पानी में अच्छे से वॉश करेंगे। दाल हमारी वॉश हो चुकी है, अब इसे हम एक प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और साथ में ही हम पालक को डाल देंगे। पालक को मैंने पहले से बारीक कट करके रख लिया था धोकर, और अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं, साथ में ही लहसुन डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चुटकी हींग डाल देते हैं। हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दाल में। और 2 गिलास पानी डाल देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटी आने तक पकने देंगे। जब 2 सीटी आ जाएगी तब गैस की फ्लेम लो करके 10 मिनट तक और पकाना है और गैस बंद कर देंगे। देखिए हमारी दाल बनकर तैयार है। चलिए अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अब गैस पे कढ़ाई रख दिया, इसमें हम देसी घी डाल देंगे। जब देसी घी हमारा गर्म हो जाएगा तब 4 साबुत लाल मिर्ची डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें मैं अदरक डाल देती हूँ। अदरक को मैंने कद्दूकस करके रखा था पहले से, और इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने देते हैं। देखिए अदरक हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे और लहसुन को भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है हमें। देखिए लहसुन में बढ़िया कलर आ चुका है। और अब इसमें हम पालक वाली दाल को डाल देते हैं जो हमने बॉईल करके रखी थी। देखिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट पालक वाली दाल बनकर तैयार है। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।